रिसेंटली मैंने यूट्यूब कम्युनिटी टैब पर एक पॉल क्रिएट किया था, तो सबसे ज़्यादा वोटिंग आप लोगों ने वी पाइपिंग नेक डिज़ाइन पे की है। तो आज मैं वी पाइपिंग नेक डिज़ाइन की फुल डिटेल्स के साथ ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। तो फैब्रिक अभी डबल फोल्ड में है और मैंने कुर्ती की शोल्डर 7 इंच रखी है। 7 इंच शोल्डर में बैक नेक आप छोटा बना सकते हो, 5 इंच तक बना सकते हो, और आप कॉलर भी इस पे बना सकते हो, लेकिन डीप नेक नहीं बनेगी इस शोल्डर में। आर्म होल भी हमने 7 इंच ही लिया है, ऊपर से 1/2 इंच मैंने डाउन किया है, तो इसीलिए 7 इंच। अब नेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 9.25 इंच चौड़ी और 14.5 इंच लंबी एक पेस्टिंग ले ली है, इसको फोल्ड कर लेना है। नेक की विड्थ 3.5 इंच रखेंगे और लेंथ 6.5 इंच रखेंगे। दोनों मार्क को इस तरह से वी शेप में मिला देंगे। अब लाइन के बाहर से आप 1 इंच ऐसे लाइन खींच लें और नीचे से आपको बस ऐसे सीधा लाइन खींच लेना है 1 इंच का, और इसे मिला देना है इस तरीके से और इसकी कटिंग कर लेना है। अब ऊपर से आप 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से कटिंग करें, इससे क्या होगा आपका गला जो है वो फैलेगा नहीं और अंदर की भी वी शेप को हम लोग कट कर लेंगे। खोलने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेंगी। ये देखिए पेस्टिंग एक्चुअली ख़त्म हो गई है और मुझे लेंथ थोड़ा और लंबा करना है, तो इसीलिए जो नेक कटिंग की है उससे जो बची है उसको मैं इस तरह से ज्वाइन करके इसकी नेक को बढ़ाऊँगी। तो ये देखिए ये अब 18 इंच हो गई है। तो अब इसे बस फैब्रिक पे हम लोग पेस्ट कर लेंगे। इस पेस्टिंग के टुकड़े को भी मिलाकर रखना है और आयरन की हेल्प से इसे भी पेस्ट कर देंगे। थोड़ा होल्ड कर लें और ये देखिए ये पेस्ट हो गई है। इसके चारों तरफ से हमें फैब्रिक 1/2 इंच छोड़कर इस तरह से देखिए कट कर लेनी है और इसके चारों तरफ को हमें फोल्ड कर लेना है। इस जगह पर आप एक छोटा सा कट लगाएं और ये देखिए ईजिली आप इसको फोल्ड कर पाएंगे। ऐसे ही मैंने पूरी पेस्टिंग को कवर कर लिया है और ये देखिए अब इसे पलट देंगे और इसके पीछे की तरफ पेस्टिंग वाले किनारे पे ही आपको शेप में लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद नीचे से मैं 1-1 इंच पर मार्क कर रही हूँ क्योंकि यहीं पर हमने लूप्स लगानी है। अब इसे ऐसे पलटेंगे तो दूसरी तरफ भी निशान हमारी लग जाएगी। थोड़ा सा आपको डैब डैब करना है। ये देखिए अब देखिए हमें लूप्स को अटैच करना है इस तरीके से। लूप्स की मुंह बाहर की तरफ रहेगी और अंदर की तरफ नहीं। तो यहाँ पर मैंने 2.5-2.5 इंच की डोरी को कट कर लिया है और इस तरह से हमें लूप्स को ऐसे रखना है बराबर से, और लूप्स की मुंह बाहर की तरफ होनी चाहिए, ध्यान रखें, और इसे अटैच कर लेंगे। उसके बाद दूसरे कलर की स्क्वायर फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके ट्राइंगल शेप देंगे। ये 1.5 इंच की बॉक्स थी, इसे हमें फोल्ड करना है और ट्रायंगल शेप देके इसकी भी मुंह को आपको बाहर की तरफ रखना। 1-1 इंच दूरी पे 2 लूप्स और इस ट्रायंगल को लगाकर पूरे वी शेप पे अटैच कर लेंगे। आप लोगों को क्लियरली समझाने के लिए इसके सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद 1/4 इंच गैप छोड़ते हुए मैं दोनों सेंटर की दोनों तरफ से 2 और लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब नीचे में इन तीनों को इस तरह से मिला देना है और ऊपर ये देखिए इस पेस्टिंग के किनारे पे ये साइड की 2 लाइन इस तरह से मिला देनी है। इसी के ऊपर आपको इस नेक को रखना है। ये सेंटर से आपको ऊपर से पूरे नीचे तक सीधी सिलाई लगानी है। अब पेस्टिंग के किनारे से हम लोग सिलाई लगाएंगे और इस वाली लाइन पे आपको सिलाई को लेकर आना है, और ध्यान रखिए सेंटर वाली जो सिलाई है उस पर आपको इस सिलाई को नहीं चढ़ा, क्योंकि मेरे शॉर्ट्स वीडियोस पे व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि दीदी मैं अभी बिगिनर हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ फुल डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँ, ताकि जो बिगिनर हैं न्यू सिलाई सीख रहे हैं वो भी मेरे वीडियो को देख कर ईजिली ड्रेस को डिज़ाइन कर पाए। अब देखिए थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हुए पहले हम लोग इस वी नेक को कट कर लेंगे, उसके बाद सेंटर से हमने कट करनी है। ध्यान रखिए जो दोनों लाइन की सिलाई है वो नहीं कटनी चाहिए, सेंटर वाली सिलाई आपको कटिंग करनी है, और पर कॉर्नर पे 2 कट्स लगाना है तो इजीली ये पलट जाएगी। अब इसे धीरे धीरे से पीछे की ओर फ्लिप कर देंगे पेस्टिंग को, और ये देखिए लूप हमारी बाहर की तरफ निकल गई है। इसे पलटने के बाद इसे हम लोग साइड पे रखेंगे। ले लेना है कॉर्ड और 3 इंच चौड़ी स्ट्रिप, इसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर के करीब है। तो ये कॉर्ड आपको इजीली
टेलरिंग मटेरियल शॉप में मिल जाएगी। इसको इसके बीच पे रखेंगे, कपड़ा आपको उल्टे के उल्टा है और ऐसे आपको फोल्ड कर देना है। सिंगल फुट के दूसरी तरफ आपको कॉट वाले हिस्से को रखना है और बिल्कुल कॉट के किनारे किनारे से आपको इसको पूरे स्ट्रिप को कॉट के साथ सिल देना है। एक्स्ट्रा कॉर्ड कट कर लेंगे और ये जो साइड से फैब्रिक है इसे कॉर्ड के तरफ ही फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे ताकि कुर्ती के पीछे से देखने में ख़राब ना लगे। तो कुर्ती को लेंगे और इस पाइपिंग लेस को यहाँ से ऐसे किनारे से लगा कर इसे हम लोग अटैच कर लेंगे। अब इसके पीछे से ये देखिए लेस पे हम लोग एक कट लगाएंगे ताकि लेस ऊपर की तरफ पलट सके। और ये देखिए ऐसे उसके बाद ऐसे ऊपर ईजिली उठ गई है और उसके बाद जैसे अटैच कर रहे थे वैसे ही अटैच कर लेंगे। अब देखिए पीछे से लेस के इस जगह पे दोनों तरफ कट लगाना है ताकि फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। यहाँ से आपको नीचे तक नापना है तो ये देखिए 10.5 इंच आ रही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एक कपड़ा ले लेंगे, इसकी जो लंबाई है वो 10.5 से ज़्यादा है, ज़्यादा ही वो रहना चाहिए, और चौड़ाई इसकी 3.5 है और पीछे से मैंने इस तरह से आयरन से फोल्ड करके रखा है। आप चाहे तो स्टिच करके भी रख सकते हैं। उसके बाद इसको नीचे रखेंगे और इसके ऊपर कुर्ती को ऐसे रखना है। जितना आपको डीप करना है आप डीप कर सकते हैं, जितना आपको बीच में गैप रखना है उतना आप रख लें। उसके बाद पिन से इस तरह से चारों तरफ सिक्योर कर लें, पूरी तरफ ऊपर से नीचे तक अटैच कर लेंगे कुर्ती से। तो फाइनली हमारी नेक डिज़ाइन बन गई है। अभी देखिए कुछ इस तरह से लग रही है और इसे मैंने जस्ट सामने पे ऐसे लटका कर आपको दिखा रही हूँ कि पहनने के बाद ये कैसे लगे। मिलते हैं किसी और वीडियो पे। बाय।